बदायूं के सहसवान कोतवाली इलाके में सड़क किनारे 26 साल की युवा का शव पड़ा मिला। तो वहीं बताया गया कि 2 साल पहले मृतक गांव के ही लड़की को भगा कर ले गया था, जो कुछ दिन पहले ही गांव वापस आया था। वहीं गमछा से गला घोट कर हत्या की आशंका जताई जा रही है। अमरोहा सहारनपुर में हत्या के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। अमरोहा जनपद के रजबपुर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर ट्रक ने लोकसभा सांसद कुंवर दानिश अली की कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया। मामले को देखते हुए सांसद ने इस पर जांच की मांग की है। फतेहपुर के हथगमा थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता का पास के पंडे पर लटका हुआ शव मिला। परिजनों ने शव देखते ही हड़कंप मचा दिया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हमीरपुर जिले के भरुआ कस्बे के एक मेडिकल स्टोर संचालक की पुत्री यूक्रेन में ही फंसी हुई है। बेटी ने भारत सरकार से वापस बुलाने की गुहार लगाई है।